उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बसानी आपको मिल सके। जो मैं वजीफे आपको बता रही हूँ, माशाल्लाह पत्थर पे लकीर है। मेरा ये कहना है कि कभी भी वजायफ गलत नहीं होते। हाँ, अगर कोई परेशानी होती है तो आपकी तरफ से होती है, कोई ना कोई ऐसी गलती हो रही होती है जिसकी वजह से जो है वजीफा जो है खराब हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर दिल से वजीफा करेंगे तो इंशाल्लाह कबूलियत की मैं आपसे वादा करती हूँ, इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह के कलाम की कसम मैं दे सकती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कबूल होगा। अहदीस मुबारक की तरफ चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे मर्जी करो। तुम ऐसे आदमी के पास ना जाओ जो ऐब के या गैब के इलम को जानता हो, या किसी के बारे में उसके ऐब निकालता हो, या फिर किसी के बारे में बुरा कहता हो। कब्रों को सजदा गाह ना बनाओ, लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर रहता है, अल्लाह इसके चेहरे को तरोताजा रखता है जो हदीस सुनता है और आगे बढ़ाता है। ये तमाम अहदीसें जो उनसे हैं मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ से जो है मंसूब है, तो आपसे इतनी सी गुजारिश की जाती है कि अगर हदीस पसंद आती है तो लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया करें। आज का वजीफा बहुत नायाब बहुत प्यारा है, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगा। 60 बार आपने एक ऐसा अमल करना है, एक मैं वजीफा बताने लगी हूँ, किसी को अपनी प्यार और मोहब्बत में मायल करने का, अगर वो नाराज हो गया है। देखिए, नाराजगी जो है या नफरत जो है अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद, तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस चीज को सोचेंगे समझेंगे, किसी से नाराज ना हुआ करें और किसी से नफरत ना किया करें, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात की जाएगी, इंशाल्लाह आप ये वजीफा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखिएगा, आपके जो प्यारे हैं जो आप जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं वो आपके पास आ जाएंगे। वजीफा बहुत नायाब है, इसकी कदर जानिएगा। ये एक हफ्ते का मैं वजीफा आज आपको बताऊंगी। 9 चंदी जुमेरात से आपने शुरू करना है, नए चांद की जुमेरात से आप शुरू करोगे। अक्सर मैं अमल जो है वो 9 चंदी को ज्यादा इसलिए कहती हूँ कि उसमें वजायफ भी असर रखते हैं और अमलियात भी असर रखती हैं। 9 चंदी जुमेरात को शुरू करें या फिर आप बुध के दिन इसको ना शुरू करें। 100 मरतबा रोजाना आपने पढ़ना है, या गफूरु अलिफ अल्लाह, या गफूरु या गफूरु अलिफ अल्लाह। आपने 100 मरतबा पढ़ना है, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, सोने से पहले पढ़ें या फजर के टाइम पढ़ें, दिन में किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। तसव्वुर में आप अपना तसव्वुर कायम करके भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये मुश्किल लगता है, ये तसव्वुर नहीं होता, तो आप उसकी तस्वीर सामने रख के या तस्वीर पर भी पढ़ के दम कर सकते हैं। आप यकीन माने जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं वो ऐसा मुसख़र होगा कि वो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके जहन में सिर्फ उसी का नाम है। वो ऐसा पागल हो जाएगा कि बस वो कहेगा कि मेरे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो जिसके लिए वजीफा किया जा रहा है बस उसकी तलब है, ठीक है। वो इतना पागल हो जाएगा सिर्फ आपकी बात सुनेगा, वो इतना ज्यादा अपने जहन में आपको महसूस करेगा कि आपकी तरफ बेचैन होके और जो है आपकी तरफ भागेगा और बेचैन होके आपके पास आ जाएगा। इतना ज्यादा उसके जहन पे आप का ये वजीफा असर करेगा और मुसख्खर करेगा। और 60 बार पढ़ के, 100 बार पढ़ के, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। 60 बार भी पढ़ सकते हैं, 100 बार भी पढ़ सकते हैं, और तस्वीर पे भी दम कर सकते हैं, गैबी दम भी कर सकते हैं, फिजा में दम भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला आप ये वजीफा करें, इंशाल्लाह ताला देखिएगा किस तरह जिससे आप प्यार करते हैं, ये चाहत रखते हैं, कोई ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, आपका दिल करता है कि आप मतलब कि इस दुनिया से। अक्सर एक दफा मेरे पास एक कमेंट आया, उसमें लिखा हुआ था, भाजी मेरा दिल करता है कि मैं खुदकशी कर लूं ताकि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया, ये वो। तो देखें, इस तरह जज्बाती जो बातें हैं ये ना करें, बल्कि उसका सोल्यूशन यानी कि उसका हल ढूंढें बजाय इस तरह की बातें करने से। तो मेरे पास जो मेरे लिए मेरे पास जो बेहतरीन अल्लाह का जिक्र है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो आप लोगों की मदद कर सके। तो इंशाल्लाह जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वज़ाइफ अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।